नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या अंतर है मुनि, योगी, ऋषि, साधु और संत में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे, भारत के प्राचीन समय से ही ऋषि मुनियों का विशेष महत्व रहा है, क्योंकि ये समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते हैं। ऋषि मुनि अपने ज्ञान और तप के बल पर समाज कल्याण का कार्य करते थे और लोगों को समस्याओं से मुक्ति दिलाते थे। आज भी तीर्थ स्थल, जंगल और पहाड़ों में कई साधु संत देखने को मिल जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि साधु संत, ऋषि, महाऋषि और यह सब अलग अलग होते हैं? आइए आज हम आपको बताते हैं कि ऋषि, महाऋषि, मुनि, साधु और संत में क्या अंतर है और उनके बारे में क्या मान्यताएं हैं। ऋषि वो लोग कहलाते हैं जिन्हें सब चीजों के बारे में पता होता है। इनके द्वारा कही गई बात कभी भी झूठी साबित नहीं होती है, वो भी इसलिए कि उनके द्वारा दिए गए श्राप और वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं होते। जैसे ऋषि दुर्वासा के दिए वरदान के कारण ही कुंती को सभी देव पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम प्राप्त हुए। आसान भाषा में ऋषि को एक टाइटल बताया गया है और यह टाइटल उन्हीं को दिया जाता है जिन्हें अपने शास्त्रों के बारे में सब कुछ पता हो तथा इन्हें हर चीज के पीछे की साइंस के बारे में भी ज्ञान होता है। ऋषि वैदिक सांस्कृतिक भाषा का शब्द है। वैदिक सच्चाओं के रचयिता को ही ऋषि का दर्जा प्राप्त होता है। ऋषि को सैकड़ों सालों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्च स्तर पर माना जाता है। वैदिक कालीन के सभी ऋषि ग्रस्त आश्रम से आते थे। ऋषि पर किसी तरह का क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या आदि का कोई रोक टोक नहीं है और ना ही किसी भी तरह का संयम का उल्लेख मिलता है। ऋषि अपने योग के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त हो जाते थे और अपने सभी शिष्यों को आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उनके पीछे छिपी ऊर्जा को भी देखने में सक्षम थे। हमारे पुराणों में सप्त ऋषि का उल्लेख मिलता है, जो केतु, फुलह, फुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ तथा भृगु हैं। ऋषियों को हम वैदिक काल के साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। सनातन धर्म में कई हजार वर्ष पहले ऋषियों की कही हुई बात को कोई भी नहीं नकारता था। हिंदू धर्म ग्रंथों के चार प्रकार के ऋषियों का जिक्र है। पहले है महान ऋषि। महान ऋषि जो कि ऋषियों के भी ऋषि होते हैं। राजश्री, इसका मतलब है कि कोई राजा ऋषियों के लेवल का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उन्हें राजश्री कहा जाता है। देवश्री, अगर कोई देवता बहुत ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उन्हें देवश्री कहा जाता है, जैसे नारद मुनि जो कि एक देव ऋषि भी हैं। ब्रह्म ऋषि वो होते हैं जिनके पास अपार अध्यात्म ज्ञान होता है, जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जो कि श्री राम के गुरु थे। ज्ञान और तप की उच्चतम सीमा पर पहुँचने वाले व्यक्ति को महर्षि कहा जाता है। इनसे ऊपर केवल ब्रह्म ऋषि माने जाते हैं। हर सभी में तीन प्रकार के शचु होते हैं। वह ज्ञान शचु, दिव्य शचु और परम शचु है। जिसका ज्ञान शचु जागृत हो जाता है उसे ऋषि कहते हैं। जिसका दिव्य शचु जागृत होता है उसे महर्षि कहते हैं। परम शचु जागृत हो जाता है उसे ब्रह्म ऋषि कहते हैं। अंतिम महर्षि दयानंद सरस्वती हुए थे, जिन्होंने मूल मंत्रों को समझा और उनकी व्याख्या की। इसके बाद आज तक कोई व्यक्ति महर्षि नहीं हुआ। महर्षि मोहमाया से विरक्त होते हैं और परमात्मा को समर्पित हो जाते हैं। वही मुनि शब्द संस्कृत के एक मनन शब्द से लिया गया है, इसका मतलब सोचना होता है। मुनि उन्हें कहते हैं जो कि बहुत ही गहराई से सोचते हैं। इनके सोचने की शक्ति हम सबसे बहुत ही ज्यादा और आगे होती है। मुनि शब्द का अर्थ होता है मौन अर्थात शांति, यानी जो मुनि होते हैं वह बहुत कम बोलते हैं। मुनि मौन रखने की शपथ लेते हैं और वेदों और ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो ऋषि साधना प्राप्त करते थे और मौन रहते थे उनको मुनि का दर्जा प्राप्त होता था। कुछ ऐसे ऋषियों को मुनि का दर्जा प्राप्त था जो ईश्वर का जाप करते थे और नारायण का ध्यान करते थे, जैसे कि नारद मुनि। मुनि मंत्रों को जपते थे और अपने ज्ञान से एक व्यापार भंडार की उत्पत्ति करते थे। मुनि शास्त्रों की रचना करते थे और समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते थे। मौन साधना के साथ साथ जो व्यक्ति एक बार भोजन करता हो और 28 गुणों से युक्त हो वह व्यक्ति ही मुनि कहलाता था। वही साधु उस व्यक्ति को बताया गया है जो कि हमेशा सही रास्ते पर चलता है, कभी किसी के साथ गलत नहीं करता है,
साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साथ ही वह लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति, और इसका एक उत्तम अर्थ यह भी है कि यह 6 विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मस्तर्स का त्याग कर देता है। जो इन सब का त्याग कर देता है उसे साधु की उपाधि दी जाती है। संत वो कहलाते हैं जिन्होंने कड़ी तपस्या से ज्ञान प्राप्त किया हो, जिससे वो समाज का कल्याण कर सके। सीधे शब्दों में संत वो लोग हैं जो समाज को सही राह दिखाते हैं। वही सन्यासी वो लोग कहते हैं जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया हो और संसार की सारी विषय वासना आदि को छोड़ दिया हो, केवल भगवान को पाने का रास्ता ही चुन लिया हो। वही योगी लोग अपने आप को संत बताते हैं और उनकी सारी जिंदगी भगवान की साधना करने में ही निकल जाती है। संत शब्द संस्कृत के एक शब्द शांत से बिछड़कर और संतुलन से बना है। संत उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सत्य का उच्चारण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास, संत रविदास। ईश्वर के भक्त या धार्मिक पुरुष को भी संत कहते हैं। बहुत से साधु महात्मा संत नहीं बन सकते, क्योंकि घर परिवार को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। इसका अर्थ है कि वह अति पर जी रहे हैं। जो व्यक्ति संसार और अध्यात्म के बीच संतुलन बना लेता है उसे संत कहते हैं। संत के अंदर सहजता शांत स्वभाव में ही बसती है। संत होना गुणी भी है और योग्यता भी। दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि क्या अंतर है एक मुनि, योगी, ऋषि, साधु और संत में। इसी तरह की और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।